सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाईफाई जो राउटर होता है उसका स्पीड टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो हम ब्रॉडबैंड हम जो यूज़ करते हैं वो कितना स्पीड, अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड कितना दे रहा है, आज के इस वीडियो में हम पता लगाने के लिए जानने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं पता लगाने के लिए कि आपका वाईफाई राउटर जो है कितना का स्पीड दे रहा है आपके सिस्टम में, तो इस ट्रिक के जरिए आप पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, जो आपका गूगल क्रोम ऐप है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं अपना। और जैसे ही हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो इसके बाद हमको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। इसके लिए हम यहाँ गूगल क्रोम पर क्लिक करते हैं और गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लिखना है स्पीड टेस्ट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको आ गया है स्पीड टेस्ट, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रन करने का ऑप्शन आ गया है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है रन स्पीड टेस्ट, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, डाउनलोडिंग स्पीड हमारा 44 यानी कि 44.7 लगभग आ रहा है, और अपलोडिंग आ रहा है 33, 34 ऐसे कुछ, 35.5 ये देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो फिर से आप यहाँ पर टेस्ट अगेन करके फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपका ये टेस्टिंग होने लगेगा। तो देखिए हम देखते हैं, फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन और अपलोडिंग 43 है। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।